इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या रे, देखी इसकी सुंदरता? वाह, चल आजा। मैं मानस आज अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी को यह वचन देता हूँ कि चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। धीरे से इस कलश को पांव से धक्का देकर ग्रह प्रवेश करो। आदित्य, तू कहाँ जा रहा है? आज तेरे भाई की शादी हुई है और मैंने तुझे तेरे भाई का कमरा सजाने का काम दिया था, किया तूने? देख, शादी में हमारा स्वागत अच्छी तरह से हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हम तो हमारी दुल्हन का स्वागत अच्छी तरह से ही करेंगे। आजकल तो मानस से कम पढ़े लिखे लड़के को भी शादी में सोने से तोलते हैं, लेकिन मेरे बेटे को क्या दिया? एक घड़ी और पतला सा चेन। देख बेटा, अपनी सास का बुरा मत मानना। वो क्या है कि आज शादी में उसने अपनी मन पसंद करेले की सब्जी थोड़ी ज्यादा खा ली है। आंटी देखा ना, क्या नसीब पाया मेरा दोस्त मानस ने, कितने सुंदर और सुशील लड़की मिली उसे। और ये देखो मेरा दोस्त विकास बेचारा। आदित्य, तूने भाई का कमरा नहीं सजाया? मैंने तुझे पैसे दिए थे, उसका क्या किया? मैंने वो आज के दिन कोई मेरे भाई आदित्य को खुश ना कहे प्लीज। हर रूम तो मैं अभी आधे घंटे में सजा दूंगी। मलिकाए हुस्न मेरे दिल की रानी पवित्रा का अपने शयन कक्ष में ये नाची स्वागत करता है। कमरा बहुत अच्छा सजाया है, मेरे दोस्त विकास ने सजाया है। तुम्हारे प्यार की खुशबू ने इस कमरे को और भी ज्यादा महका दिया है। आपने भी तो मेरे जीवन को इन फूलों की खुशबू की तरह महका दिया है। और तुमने भी मेरे जीवन में इन फूलों के रंगों की तरह कई सारे रंग भर दिए। मुझे हर जन्म में तुम्हारा ही साथ चाहिए मम्मी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में तुम ही पति के रूप में मिलो। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मुझे इतनी खुशियाँ एक साथ मिली है कि मुझे डर लगता है कहीं मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। मेरे होते हुए तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। I love you, Pavitra. I love you, Manas. चाहे हमारे जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक।
हमारी बहू ने घर में आते ही घर का सारा काम अपने हाथों में ले लिया और देखो नाश्ता भी कितना सारा और कितना अच्छा बना दिया है। अच्छा इतने सालों से मैं जो करती आ रही हूँ आपने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की। और पवित्रा ने ऐसा तो क्या जादू कर दिया कि आप तो उसकी तारीफों के फूल ही बांध रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जिस दिन ये खाबों का फूल टूटा ना उस दिन इस घर में तकलीफों की बाढ़ आ जाएगी। नहीं मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए इस घर को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अभी कल ही शादी हुई है और आज मांग में सिंदूर लगाना ही भूल गई। सॉरी मम्मी जी वो सुबह जल्दी जल्दी मैं भूल गई, मैं अभी लगा के आती हूँ। हम तो यहाँ हैं, हमें वहाँ का ढूंढ रही है। अरे मैं वो सिंदूर की डिब्बी ढूंढ रही हूँ, सुबह जल्दी जल्दी मैं लगाना भूल गई ना। पवित्रा तुम्हारी मांग और हमारी जिंदगी को संवारना हम दोनों की जिम्मेदारी। इसमें हर पल में आपका साथ दूंगी। मुझे ऐसा लगता है ना अगर तुम्हें थोड़ा सा साथ दो तो मैं तुम्हारे प्यार के समंदर में फिर से डूबने को तैयार हूँ। छोड़िए घर में और भी काम बाकी है। अरे लेकिन आदित्य ये ले नया माल है, एक बार पी ले अपने सारे गमों को भूल जाएगा। ला दे। मुझे पता है तू टेंशन में और कल रात तू जुए में 2 लाख रुपए भी हार चुका है। और जिस सलीम का माल तू पिछले 2 महीने से फूंक रहा है ना कि 1.5 लाख भी लौटाने बाकी। समझ नहीं आता कहां से लाऊंगा इतना सारा पैसा। बड़ा हाथ ही मारना पड़ेगा वरना सलीम का बड़ा हाथ मेरा सब कुछ तोड़ देगा। आदित्य भाई ये क्या है, ये सब बुरी आदत है आदित्य भाई, छोड़ दीजिए इसे। एंड यू गेट आउट। ए चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। वार्निंग तो हम तेरे देवर को देना है। आई सेड गेट आउट, अगर फिर से मुझे यहाँ दिखे ना मैं सीधा पुलिस कंप्लेन करूंगी। देख आदित्य हम लोगों के रुपए जल्द से जल्द वापस कर दे वरना तुम्हें पता है सीधी भी नहीं और टेढ़ी भी नहीं, हम लोग सीधी उंगली उखाड़ देते हैं। और अगर पैसे ना मिले तो पैसे वसूलने के हमारे पास और भी तरीके। थोड़ी देर में बस आती होगी, हमारा हनीमून और हमें डिस्टर्ब करने वाला और कोई नहीं। डू नॉट डिस्टर्ब लगाना पड़ेगा और तुम्हारा भी। मेरा फोन है। विकास का फोन है। हाँ विकास बोल। अरे मैं अपना ध्यान रखूंगा, पवित्रा का ध्यान रखूंगा, खाना टाइम से खाऊंगा और गहरे पानी में भी नहीं जाऊंगा। और कुछ मेरी माँ से ज्यादा तू मेरी चिंता करता है। हाँ हाँ थेपला अचार नाश्ता सब कुछ ले लिया है। हाँ मैं हर रोज फोन करूंगी, मैं फोन रखूं बस कभी भी आती होगी। हाँ डर गई थी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। मैं तो बस देख रहा था
अगर थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाओ क्या करोगी? आज के बाद कभी अपने मुंह से ये शब्द मत निकाला, तेरी जान चली जाएगी। ओके बाबा, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, पर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। आज के बाद मैं कभी ऐसे कोई मजाक नहीं करूंगा। बस आजी चले। सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मुझे पता है, मैंने भी तो तुम्हारा हाथ कस के पकड़ रखा है। मानस, मुझे हमेशा इतना ही प्यार करोगे? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो। तुम्हारे दामन में ना जीवन की सारी खुशियां भर दूंगा। हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। जब तक हम साथ हैं ना, हमारे प्यार को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। बस यहाँ आधा घंटा रुकने वाली है और बाकी लोग बस से उतर भी गए, तो मैं सोचा क्यों ना बस में जाके थोड़ी देर रोमांस कर लिया जाए। आपको हमेशा यही दिखता है। जी सुनो, मैं वॉशरूम से आता हूँ थोड़ा, हाँ चाय पीते हैं। यहाँ तो यहाँ, और वो बच्चे के रोने की आवाज। अरे वो तो मेरे मोबाइल फोन की रिंगटोन थी। लेकिन पवित्रा भाभी, आप यहाँ पे क्यों खड़ी है? मेरा दोस्त मानस कहाँ है? मानस वॉशरूम का है। पवित्रा भाभी, मानस ठीक से ख्याल तो रखता है ना आपका? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझे बहुत डरा दिया था, अचानक ही कहीं चले गए थे वो। अभी हम मानस को डराते हैं, आप मेरी कार में बैठ जाओ, हम दूर खड़े रहकर उसको देखते हैं। नहीं विकास भाई, प्लीज भाभी, अपने देवर विकास की इतनी बात नहीं मानोगी? और मुझे शेर मानस को भीगी बिल्ली बनते हुए देखना है, और आप भी देख लेना कि आपके बगैर मानस की क्या हालत होती है। मैम, आपने किसी लड़की को देखा है गोरी सी? नहीं भाभी प्लीज, अभी फोन मत उठाना, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। खेल मतलब?
आपने जितनी तारीफ की थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है आपकी ये भाभी। तो आज से ये खूबसूरत माल तुम्हारा, और इस माल के बदले में चलो मेरा माल निकालो। मित्रा, तूने तो मुझे मालामाल कर दिया। तुझे उल्लू बना के उठाया और इधर बेच दिया। देख, इसकी मुझे अच्छी खासी कीमत मिली है। इन पैसों से ना मैं ऐश करूंगा, ऐश। मुझे मानस के पास जाना है। अरे बड़ा सच्चा प्यार है ना तुम्हारा। देखो, मानस को याद किया और मानस का फोन आ गया। हाँ मानस। विकास, पवित्रा कहीं खो गई है। क्या बात कर रहा है मानस? ये कब, कहाँ और कैसे हुआ? मैं वॉशरूम गया था फ्रेश होने के लिए, जब वापस आया तो वो वहाँ पे नहीं थे, वो गायब हो गई थी वहाँ से। मानस, तूने भाभी को मोबाइल किया? पहले तो रिंग गई, लेकिन बाद में उसका मोबाइल लग नहीं रहा है। बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं अभी तेरे पास आता हूँ। हम लोग पवित्रा भाभी को ढूंढेंगे, पवित्रा भाभी जरूर मिल जाएंगे। मेरे जिगरी दोस्त मानस की नई नवेली दुल्हन कहीं खो गई है। मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। पवित्रा भाभी, कहाँ हो आप? माना जाता है कि हमारे देश में काफी रिश्तों में पहले शादी होती है और उसके बाद प्यार। एक ऐसा प्यार जो सात जन्मों का बंधन बन जाता है। आजकल के जमाने में किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। पवित्रा ने अपने पति के भाई जैसे दोस्त पर विश्वास किया, लेकिन विकास ने पवित्रा के साथ विश्वासघात किया और आज वो एक ऐसे दलदल में फंस गई है जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिख रहा है। कितनी कठिन परेशानियों का सामना उसे करना पड़ेगा इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं है। क्या पवित्रा अपने पति मानस से फिर मिल पाएगी? नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे क्राइम से अलर्ट करने जा रही हूँ जिसके जख्म ना सिर्फ एक औरत के जिस्म पर पड़ने वाले थे बल्कि उसकी आत्मा पर भी पड़ने वाले थे। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी पत्नी पवित्रा को ढूंढना शुरू कर दीजिए प्लीज। कम से कम वायरलेस में इन्फॉर्म कर दीजिए, नाकाबंदी कर दीजिए, कुछ करिए सर। 3 घंटे से ऊपर हो गया और उसका अभी तक तो कुछ पता नहीं चला सर। देखिए, 48 घंटे के पहले हम मिसिंग कंप्लेंट नहीं ले सकते, कायदा है ये। इंस्पेक्टर साहब, कायदा और कानून हम भी जानते हैं, लेकिन प्लीज प्लीज आप हमारी पवित्रा भाभी को जल्द से जल्द ढूंढना शुरू कीजिए। अच्छा, आपने बताया था कि उसके मोबाइल में पहले 2 बार रिंग बजी थी, उसके बाद स्विच ऑफ आ रहा था, राइट? देखिए, अभी आप लोग घर जा सकते हो। हम लोग आपकी कंप्लेन तो कल ही लिखेंगे, लेकिन तहकीकात अभी से स्टार्ट कर। पवित्र जगह पे पवित्रा ने आके इस जगह को भी पवित्र कर दिया। मेरे पान के कत्थे से भी लाल है रे तेरे गाल। हाँ, तू तो हुस्न की रानी है रे। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेके आए हैं। ए छोकरी, अक्का नाम है मेरा। ये पूरे पिल्ला हाउस की महारानी हूँ मैं, समझी मेरी रानी? आपका बहन प्लीज समझे, मेरी 2 दिन पहले ही शादी हुई है। मेरे पति के दोस्त विकास ने मेरे साथ धोखा किया है, वो मुझे धोखे से यहाँ लेके आया है। मेरे पति और मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। अरे तू चिंता मत कर, तो औरत होते हुए पैसे बात कैसे कर सकती है, शर्म नहीं आती आपको? साली, शर्म करूंगी ना तो भूखी मर जाऊंगी मैं। कौन कौन से सुंदर है? तेरे पति के दोस्त विकास ने तुझे यहाँ अच्छे खासे पैसे लेके मेरे चकले पे बेचा है, समझी? और तू क्या मेरा मुंह देख रहा है रे? इंजेक्शन लगा साली को। नहीं, 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 नहीं
देख सेठ, है इतना खूबसूरत कोई चकले में? लगता क्या नायाब चीज है। एक बार धंधे पे बैठने के बाद पूरे चकले पे रानी बनके राज करेगी, हर चाहने वालों के दिलों में राज करेगी। प्यारे से पूरी रात के लिए आज ये तेरी। तुम्हें पक्का याद है ये लड़की यहाँ आई थी? आई थी, जोड़ा बड़ा खूबसूरत था। मेरा मतलब है कि उसके साथ एक और आदमी भी था। देखो अच्छे से याद करके बताओ, ये लड़की दो दिन से गायब है और यहीं से गायब हुई है। पर गायब कैसे हो सकती है साहब? मतलब वो लड़की और जो आदमी जो बस से उतरा था वो वहीं खड़ी थी और वो आदमी कहीं चला गया? वो आदमी उसका पति था। तो फिर जिसके साथ कार में प्यार से बैठकर चली गई वो आदमी कौन था? इसका मतलब बस में उतरी किसी और के साथ और किसी और के साथ कार में बैठकर चली गई। तो कार में जिसके साथ गई वो आदमी कौन था? मुझे नहीं पता मैडम, मतलब जिसके साथ बड़े प्यार से कार में बैठकर जा सकती है तो कोई जान पहचान वाला ही होगा ना, या फिर हो सकता है कि उसका कोई चाहने वाला हो। इसका मतलब तो साफ है कि अपने किसी अपने के साथ ही रफू चक्कर हो गई। अच्छा तुमने जो गाड़ी में बैठा था उसका चेहरा या गाड़ी का नंबर याद है? साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं सब ये सब देखूं या फिर अपना काम संभालूं? वाह, जो देखना था वो तो नहीं देखा, बाकी सब देखा। पवित्रा तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पुलिस तलाश कर रही है ना भाई, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी का कुछ पता चला? हमें पवित्रा के बारे में कुछ छानबीन करनी। छानबीन मतलब? मतलब कि उसका स्वभाव कैसा था, उसके साथी सहेली सबसे कैसे मिलती जुलती थी। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था इंस्पेक्टर साहब, और उसके जिंदगी में ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी पवित्रा भाभी बहुत अच्छी है ना आंटी, और वो सबके साथ घुलमिल भी गई थी। अब 7 दिन में क्या किसी का स्वभाव पता चलता है, और वैसे भी आजकल की लड़कियां तो वैसे भी खुले स्वभाव की होती है। इंस्पेक्टर साहब पवित्रा तो हमसे घुल मिल गई थी, और वैसे भी स्वभाव से बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। अच्छा एक बात बताओ, पवित्रा के इस घर में आने के बाद और गुम होने के बाद कुछ आपके घर में ऐसा अलग सा कुछ करा? अब क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, उसके पिताजी के घर से शादी में जो ज्वेलरी लाई थी ना वो भी गायब है। इसका मतलब हमने जो छानबीन की और हमें जो शक हुआ बिल्कुल सही। तुम्हारी पत्नी पवित्रा बस में से तो तुम्हारे साथ उतरी, फिर चलकर गई कार में किसी आदमी से, अपनी मर्जी से बातें की और उसी आदमी के साथ अपनी मर्जी से ही कार में बैठ के चली गई। नहीं उसका कोई पुराना आशिक तो नहीं? अरे क्या बकवास कर रहे आप, सब गलत है ये, मेरी पवित्रा कभी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी पवित्रा मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती, उसके जीवन में मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता। देखो भाग गई ना, अपने यार के साथ सारी ज्वेलरी भी लेके चली गई। अरे आप चुप भी हो जाओ, अभी भी आप मुझे ही चुप करवाइए। अरे वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके चली गई है, वो है ना कभी खुश नहीं रह पाएगी। माँ मेरी पवित्रा को बद्दुआ मत दो, वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी, वो कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती।
अच्छे घर से हूँ, मेरी शादी हो गई है। मैं भी अच्छे घर से हूँ और मेरी भी शादी हो गई है। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज मुझे अपना फोन दे दो, मुझे मेरे पति से बात करनी है। तू मुझे खुश कर दे, उसके बाद फोन देता हूँ। अब तो मुझे फोन दे दो। मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ। मुझे फोन दे दो, मुझे मेरे पति से बात करनी है। चला पक्का? क्या है रे, क्यों भौंक रहा है इतना? ये तेरी लड़की को फोन पे बात करनी है, मुझसे मांगती है। क्यों रे छोकरी, यहाँ तुझे हर रात नया पति मिलेगा और पैसा भी देके जाएगा। तू अभी गुलाब का फूल है, रोज नए नए बउरे आएंगे तुझे सूंघने, समझी? तैयार हो जा, जा बे, दूसरे कस्टमर को बुला के ले गया। ए छोकरी, थोड़ा साफ कर दे जल्दी, चल। मानस, तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे इतनी खुशियाँ एक साथ मिली है कि मुझे डर लगता है कहीं मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। I love you, Pavitra. I love you. ले छोकरी, तेरे इतने दिन की कमाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मानस के पास जाना है। तेरे को कितनी बार समझा रहे, भूल जा। हर एक मर्द एक जैसा होता है, वो भी किसी फूल के ऊपर मंडराने लगेगा, भूल जा उसे। मेरा मानस मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे तेरा फोन दे दे आपका। कोई चालाक ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने तो फोन देने के लिए बोला। हेलो विकास भाई, यहाँ प्रॉब्लम हो गया है, पवित्रा ने अक्का के गले पे। मैं कुछ करता हूँ। मानस, एक मिनट आओ भाई, कोई अननोन नंबर से फ़ोन आया ना तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है ना, तो मैंने तुम्हारा नंबर दिया है। अननोन नंबर? यही। मानस मुझे बचा लो प्लीज़, मैं पिल्ला हाउस में हूँ, भिमजी नगर। पवित्रा भाभी, आप मुझे पता बता दी, वहाँ पे मैंने ही आपको पहुँचाया है। विकास तुम मानस को फोन दो, मुझे मानस से बात करनी है। मानस ही फोन पे, तुम्हारी आवाज़ सुन के ना उसने मुझे फोन दे दी, वो ना तुमसे बात नहीं करना चाहिए। कितने दिन हो गए तो वो तुम्हें भूल चुका है। पर हाँ पवित्रा भाभी, एक गुड न्यूज देनी थी। मानस ना आप दूसरी शादी करने वाला। मानस दूसरी शादी कर रही है? हाँ पवित्रा भाभी, दूसरी शादी। तो क्या है पवित्रा भाभी, आप अपने दिलो दिमाग से मानस को ना निकाल दो और मानस को भूल जाओ। मानस भी आपको भूल चुका है, ठीक है, समझी मेरी प्यारी पवित्रा भाभी। बाय। थैंक
मैंने बोला था ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं। दगाबाज भूल जा और धंधे पे ध्यान दे। चल रे। मानस मुझे भूख, जो वादे हमने किए थे पुत्री के साथ कभी नहीं चलेंगे। विकास, क्या अक्का तुम लोगों से एक लड़की को नहीं संभाला जाता? विकास मुझे ऐसे बाहर निकालो प्लीज, ये लोग मेरे से बहुत गंदा काम करवा रहे हैं। तू अक्का के गले पे बोतल रखेगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? विकास मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? कहा गई मैंने गलती तो नहीं कर दी ना इसका यहाँ पे सौदा करके, क्योंकि एक सीधी साधी लड़की को कैसे रखते हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊं? वो तो अच्छा हुआ कि आज मैंने बाजी संभाल ली, वरना इसके पति के साथ इसकी बात हो जाती तो। विकास मुझे मानस के पास जाना है। विकास बहुत बोलती है। चुप हो जा, मेरे सामने चिल्लाएगी? मेरे सामने? मुझे इस नरक से बाहर निकालो विकास। जिसे तू नरक बोलती है ना, अब से नरक ही तेरा सब कुछ है। जी विकास, मानस मेरे बिना बहुत परेशान होंगे। मानस को भूल जा। मानस भी तुझे भूल गया है, और एक बात याद रखना, मानस ना तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करने वाला है। मेरे मानस ऐसे नहीं कर सकते। मानस मानस बहुत मानस मानस कर दी, आज तेरी वो हालत करूंगा कि तो दूसरी बार मानस को मुंह नहीं दिखा पाएगी। और अक्का देख ले ऐसी लड़की को कैसे काबू में करते हैं। विकास क्या कर रहे हो? विकास 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 क्या कर रहे हो? विकास 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 नहीं। आज से अपनी पिछली पूरी जिंदगी और मानस को भी भूल जाना, क्योंकि अब से यही तेरा मायका है और यही तेरा ससुराल है। सुन, जब तक तू जिंदा रहेगी यहाँ पे रहेगी, और अपने पुराने सारे रिश्तेदारों को भूल जाना, क्योंकि उनसे तू कभी भी नहीं मिल पाएगी, समझी? अक्का देखा ऐसी लड़की को कैसे काबू में करते हैं। आज के बाद कभी भी अपनी आवाज ऊंची नहीं करेगी, और आज का सबक हमेशा याद रखेगी कि उसके पति के सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने इसकी इज्जत लूट ली। जब इंसान हैवानियत पर उतर आता है तो पीछे छोड़ जाता है कुछ ऐसे दाग जो इंसानियत के लिए एक बदनुमा धब्बा बनकर रह जाता है। एक लड़की जिसने अपने पति के साथ सुनहरे भविष्य के सपने देखे, अचानक एक दिन बिना उसके किसी कसूर के नर्क की ऐसी यातना में ढकेल दिया जाता है और नोचा जाता है हर रोज, ना सिर्फ उसका शरीर बल्कि उसका आत्मविश्वास और उसके जीने का वजूद भी। एक तरफ था मानस और पवित्रा के बिछड़ने का दर्द, दोनों खो चुके थे अपने हमसफर का हाथ, अपने जीवन साथी का साथ। क्या पवित्रा मिसिंग केस की ये गुत्थी पुलिस कभी सुलझा पाएगी? क्या पुलिस पवित्रा को इस नर्क की यातना से बाहर निकाल पाएगी? क्या मानस अपनी पत्नी पवित्रा को वापस ले आ पाएगा, जिसके साथ उसने एक नहीं बल्कि 7 जन्म एक साथ बिताने के वादे किए थे? आइए देखते हैं क्राइम अलर्ट का ये सनसनीखेज केस। मानस मेरे दोस्त, कब तक उस पवित्रा के पीछे अपना आंसू बहाता रहेगा? भूल जा उस बेवफा को जिसने तुझे धोखा और आंसू के अलावा और कुछ नहीं दिया। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, पवित्रा मेरे प्यार को धोखा नहीं दे सकती। प्यार तेरा सच्चा था, इस पवित्रा का नहीं, इसीलिए वो अपनी मर्जी से किसी के साथ गाड़ी में बैठ गई और भाग गई अपने आशिक के साथ। गलत है ये,
मेरे पवित्रा ऐसा नहीं कर सकती। पवित्रा का सब कुछ प्री प्लान था, इसलिए वो घर से 2 लाख के गहने लेकर भागी। नहीं, वो गलत है विकास भाई, पवित्रा भाभी ने ये नहीं किया था। आदित्य ये तो क्या बोल रहा है भाई? मैंने आपसे 2-3 बार बात करने की कोशिश की थी पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। दरअसल हनीमून में जाने से पहले भाभी ने अपनी पूरी ज्वेलरी मुझे दी। क्यों? मैं जुए में 3 लाख रुपए हार गया, वो लोग को मैं वापस नहीं कर पाया, तो मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? दरअसल मैं घबरा रहा और भाभी को भी इस बात का पता चल गया। फिर भाभी ने मेरी पूरी उधारी चुकाने के लिए अपनी सारी ज्वेलरी मुझे दे दी और कहा कि घर में इस बात का किसी को पता न चले और मेरी सारी बुरी आदतें छोड़ने को मुझे कहा था। और भैया कसम से मैंने उस दिन से अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। आदित्य मेरे भाई, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो विकास, मैंने कहा था ना वो कभी चोरी नहीं कर सकते। ठीक है चलो, पवित्रा ने चोरी नहीं की है लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी के साथ भागी है, वो बात तो सच है ना, सबने देखा है। मानस मेरे दोस्त, ये पवित्रा का चैप्टर अपनी लाइफ में क्लोज कर दे, उसे भूल जा और अपनी लाइफ में आगे बढ़। हेलो हेलो, मैं तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ जानता हूँ। क्या? मैं ऐसी जगह पे कभी नहीं आता हूँ। कुछ समय पहले मेरी बीवी मुझे छोड़ के भगवान के पास चली गई, तुम्हें देखा तो अचानक क्यों मुझे मेरी बीवी की याद आ गई। इसीलिए जब भी इस इलाके में आता हूँ सिर्फ तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे भी मेरे पति की बहुत याद आती है लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। तो क्या तुम्हारे पति भी मर गए? नहीं, वो जिंदा है लेकिन मैं उनके लिए जरूर मर गई। हाउस पवित्रा, हम मैं तुम्हें बहुत जल्द उस नर्क से वापस लेकर आऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं पवित्रा को वापस लेकर ही आऊंगा। मानस ये तो क्या बोल रहा है, पवित्रा जिस हालत में है वहाँ उसके साथ क्या क्या हो गया होगा, अब वो तुम्हारे लायक नहीं रही होगी। जो तो सुनकर भी घिन आ रही है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे समाज क्या कहेगा? समाज की बात तो तुम करो ही मत, मैं पवित्रा को लेकर आऊंगा और इसे घर में लाऊंगा। इस घर में पवित्रा रहेगी या मैं? ठीक है माँ, जैसा तुम चाहती हो ना वैसा ही हो। पवित्रा इस घर में नहीं आई लेकिन अब मैं भी इस घर में नहीं आऊंगा। क्या तुम अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? माँ पवित्रा तुम्हारी बहू, जरा सोचो उसके साथ जो हुआ, अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ ये सब कुछ होता तब तुम क्या करती? जा रहे, ले जा लड़कियों को अंदर। लगता है मेरे मजनू को किसी खास चीज की तलाश है, कोई ऐसी जिसको देखकर मैं अपने सारे गम भूल जाऊं। है ना, एक नायाब हीरा है जिसे देख के तेरे होश उड़ जाएंगे, तू अपना सब गम भूल जाएगा। वो थोड़ा महंगा है रे। इससे ज्यादा महंगी तो नहीं होगी ना? चल आजा रे मजनू, दिखाती हूँ तुझे, दिखाती हूँ। अरे पकड़ो इसको, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, ये पत्नी है मेरी पवित्रा, अरे छोड़। अरे क्या हो रहा है ये छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मुझे, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। देख ली तेरी पहुंच, ले चलो। छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। रुक गई पवित्रा,
पास आओ। मैं तुम्हारी पवित्रा नहीं हूँ। ऐसा मत बोलो, तुम ही मेरी पत्नी पवित्रा हो। मैं तुम्हारी पत्नी पवित्रा नहीं हूँ, मैं रानी हूँ, सिर्फ रानी, जो किसी की पत्नी नहीं हो सकती। तुम मेरी पत्नी पवित्रा, जिसको मैंने शादी के साथ वचन दिए थे, शादी के साथ फेरे लिए थे। वो पवित्रा तुम्हारी पत्नी कोई और होगी, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया, तुम्हारे दिल की सच्चाई से प्यार किया है। मुझे ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे समाज की कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरे लिए तो तुम मेरी पत्नी थी, पत्नी हो और हमेशा मेरी पत्नी रहोगी। मानस, यहाँ पे हर रात जो मेरे साथ हुआ है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पवित्रा, शादी के जो सात वचन मैंने तुम्हें दिए थे ना, आज उन्हें निभाने का वक्त आ गया है। मैंने तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से शादी की है पवित्रा। तुम्हारे शरीर को इन दरिंदों ने चाहे कितना ही मैला क्यों ना किया हो, तुम्हारी आत्मा आज भी उतनी पवित्र है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए उतना ही सच्चा प्यार है जितना मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। पवित्रा, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। पवित्रा, मेरे जीवन में वापस आकर मेरे जीवन को सफल करो। पवित्रा, किस दरिंदे ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, बताओ मुझे। मुझे उस दरिंदे का नाम बताओ पवित्रा, जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। हथाप कितनी और खातिर देर करूं? बताता हूं। मेरी माँ मेरा रिश्ता पवित्रा के पिताजी के पास लेकर गई थी, लेकिन पवित्रा के पिता ने मुझे आवारा समझकर मुझे ठुकरा दिया। पवित्रा ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, कोई काम धंधा नहीं करता। पर पवित्रा ने शादी मानस के साथ कर ली, क्योंकि मानस पढ़ा लिखा था। मेरी माँ ने भी कहा पवित्रा ने ठीक किया, लेकिन मैंने उसी दिन ठान ली कि मैं अपने अपमान का बदला पवित्रा से लेकर रहूंगा, इसे इतनी बदचलन कर दूंगा कि ये पूरी अपमानित हो जाएगी और मेरा रिश्ता ठुकराने का अफसोस उसी पूरी जिंदगी होगा। विकास, मैंने तुझे अपने भाई से भी बढ़कर माना, मेरे परिवार ने तुझे अपना बेटा माना, और तूने क्या किया? मेरे घर की इज्जत के साथ इतना बड़ा अपराध किया, तुझे मैं नहीं छोड़ा। अरे अरे देखो, संभालो संभालो अपने आप को। अपने आप को संभालिए इंस्पेक्टर साहब, इस नालायक को फांसी की सजा देना, आज से मैं तेरे लिए मर गई। आओ पवित्र, गृह प्रवेश करो। मेरे से नहीं होगा मानस। तुम्हें हिम्मत करके घर वापस आना होगा, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ, फिर मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। इस घर की इज्जत हो, मान मर्यादा हो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
गुनहगार को उसकी सजा मिल जाएगी। पवित्रा, मेरे जीवन में तुम्हारा फिर से स्वागत। हमारे समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक विकास जैसे बुरे लोग जो जलन की भावना से एक बेगुनाह पर इतना घिनौना अपराध करता है लेकिन आखिर में उसे उसकी सजा जरूर मिलती है, तो वही दूसरी तरफ मानस जैसे लोग जो अपने जीवन साथी को ना सिर्फ शब्दों में सात वचन देते हैं लेकिन वक्त आने पर उन सातों वचनों का पालन भी करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास के लोगों पर आंख मूंद कर कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। बहुत जरूरी ये भी है कि किसी की बातों में आकर हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जो आगे चलकर हमें किसी मुसीबत में डाल दे। पवित्रा ने अपने पति मानस के साथ एक नई जीवन की शुरुआत की, लेकिन आप जरूर सतर्क रहिएगा भीड़ में मुखौटा पहनकर घूमने वाले दरिंदों से। जिस तरीके से इस पति ने अपनी पत्नी को स्वीकार किया, जिस तरीके से इस पति ने अपनी पत्नी को अपनाया, क्राइम अलर्ट और दंगल ऐसे पति को सलाम करते हैं। सलाम करते हैं उस परिवार को, मानस और पवित्रा के जज्बे को, उनके इस प्यार को। जिसका रिश्ता इबादत से मुकम्मल होता है वो प्यार हमेशा बुलंद होता है। मैं सुधा चंद्र क्राइम से आपको अलर्ट करने के लिए फिर आऊंगी। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।